क्लैश ऑफ क्लैंस एक आकर्षक और मजेदार गेम है जिसे आप अपने मोबाइल और टैबलेट से ऑनलाइन खेल सकते हैं। इस गेम में आप अपना गांव बना सकते हैं, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं, अपने संसाधनों की कमाई के लिए अन्य गांव पर हमला करते हैं। इसका उपयोग अपने डिफेंस को मजबूत करने और सैनिकों को उन्नत करने के लिए किया जाता है। यह गेम पूरी दुनिया में वायरल हो गया है क्योंकि यह खेलने में काफी रोमांचक है। आज मैं आपको इस गेम से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें बताऊंगा जिनको आप शायद ही जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसे फिनलैंड की एक वीडियो कंपनी सुपर सेल ने 2010 में बनाया था। इसी कंपनी ने बूम बीच, हेडे और क्लैश रॉयल गेम भी बनाए हैं। सुपर सेल इस समय 5.5 बिलियन यूएस डॉलर राजस्व वाली कंपनी बन चुकी है। क्लैश ऑफ क्लैंस पर डे 5 मिलियन लोगों के द्वारा डाउनलोड किया जाता है। इस कंपनी में 250 एम्प्लॉई हैं। क्लैश ऑफ क्लैंस के इस समय पूरे विश्व में 30 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। क्लैश ऑफ क्लैंस में आपको लगातार 8 घंटे तक खेलने के बाद एक ब्रेक लेना अनिवार्य है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको रेस्ट का एक मैसेज मिल जाता है क्योंकि आपके विलेजर्स को रेस्ट की आवश्यकता होती है। बैलून्स हवाई हमले से स्वयं का बचाव नहीं कर सकते, इसलिए बैलून्स अन्य बैलून्स पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्लान के कैसल में मौजूद बैलून्स को आप बैलून्स के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए बैलून्स को बाहर निकालने के लिए आपको दूसरे ट्रूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जार्जियाओ नाम का एक शख्स जो कि क्लैश ऑफ क्लैंस का टॉप रैंक का प्लेयर है, वो 6 महीने लगातार 5 iPads की मदद से सभी पर एक ही समय पर क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता रहा। वो नहाते समय शावर में भी iPads पे क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था। पांडा नाम का एक और क्लैश ऑफ क्लैंस का टॉप 10 प्लेयर है जो $7,000 यानी करीब 4.5 लाख रुपए हर महीने क्लैश ऑफ क्लैंस पर खर्चा करता है। कैसल अपग्रेड हो रहा हो तब भी वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है और आप उस समय ट्रूप्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आर्मी कैंप को अपग्रेड करते समय आप आर्मी का भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बिल्डर बिल्डर हट में सोया होगा और आप बिल्डर हट को हटाएंगे तो बिल्डर दिखाई देगा। हालांकि देखने में लगता है कि वह सोया है लेकिन वह बस आराम कर रहा होता है। कोई नहीं जानता कि पेक्का क्या है लेकिन कथित रूप से पेक्का एक लड़की है तथा इसका कोच इतना भारी है कि पेक्का के ऊपर स्प्रिंग ट्रैप भी काम नहीं करता है। हिडन टेस्ला के द्वारा पेक्का को दोगुना नुकसान होता है क्योंकि पेक्का के कवच को हिडन टेस्ला ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साल 2015 में क्लैश ऑफ क्लैंस ने एक एड जारी किया था जिसमें लिम नेसन ने टेकन किरदार का वर्णन किया था। ये एड 2015 में सर्वाधिक देखा जाने वाला सुपर बाउल विज्ञापन था। वहीं यूट्यूब पे ये बिग गेम के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एड था। I don't know you, big buffet boy 85, but if you think you can humiliate me and take my gold, think again. I am coming for you with lots of barbarians and dragons. I can't wait to destroy your village while you beg for mercy, but you will get no mercy. I will have my revenge. Liam, have a scone for Liam? Liam. You will regret the day you crossed Angry Neeson 52. केवल एक जेम बॉक्स आपके विलेज में एक बार उत्पन्न हो सकता है और तब तक आपको दूसरा जेम्स बॉक्स नहीं प्राप्त होगा जब तक आप पहले वाले जेम्स बॉक्स को कलेक्ट नहीं कर लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। One more.